गाइस अगर आप लोग सोलो में ज्यादातर मैच खेल दो तो आप लोग सबसे पहले मेरा स्कोर देख लो। आप लोग देख सकते हो मैं 10,000 स्कोर में हूँ अभी के टाइम, और मुझे कुछ भी करके टॉप 1000 में जाना है एक हफ्ते के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जो लोग सिर्फ सोलो में रैंक पुश करते हैं, और मैं आप लोगों को एक सीक्रेट भी बताता हूँ, सोलो में रैंक पुश करने से ना आप लोगों को नोब लॉबी भी मिलेगा। वो कैसे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। और गाइस आप लोग ना मैं जो मैच खेलूंगा अभी इसको अच्छे से देखना, क्योंकि हार्ड लॉबी था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोगों का स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उस टाइम जब माइनस लगता है ना गाइस, बहुत ज्यादा खतरनाक माइनस लगता है। तो माइनस से बचने के लिए आप लोगों को कैसे गेम प्ले करना है इस वीडियो में अच्छे से देख। और गाइस आप लोगों को ना यस और नो में एक सवाल का आंसर देना है। क्या आप लोगों को जानना है कि मैंने यूट्यूब चैनल कहां से स्टार्ट किया, कौन सी वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से मेरे को मोटिवेट मिला यूट्यूब चैनल में आने का, और क्या आप लोगों को जानना है मेरे फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट से मैंने क्या किया। तो ये सब जानने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो प्लीज यार कमेंट पे ये लिखो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो डायरेक्टली नो लिख सकते हो। ओके ओके, तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते हैं मैच के अंदर। ओके तो ये जो मैच था गाइस, ये थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि गाइस मैंने लॉबी पर देखा बहुत सारे ग्रैंड मास्टर बंदे लॉबी पर थे, तो भाई मेरे को एकदम सेफ खेलना था, इसलिए गाइस मैं एकदम साइड में लैंडिंग किया। हमेशा लॉबी पर भी आप लोग चेक कर सकते हो, कोई बंदा इमोट विमोट मारता है ग्रैंड मास्टर का, आप लोग उसको नोटिस करके समझ लेना कि लॉबी हार्ड है तो मतलब मैच हार्ड होगा, तो ये समझ के आप लोगों को लैंडिंग करना है। जैसे कि साइड में लैंडिंग करो, और इस साइड में लैंडिंग करने का और एक कारण है गाइस, इधर मेरे को रिसप्लाई मैप मिल रहा है तो इधर से मैं आराम से सब कुछ ले सकता हूं, तो इधर मैं लैंडिंग कर लिया। तो इधर से उतरने के बाद मैंने रिसप्लाई मैप से सारा कुछ ले लिया, और उसी टाइम गाइस इधर भी बंदा आ चुका था, और गाइस बंदे ने मेरे को डैमेज भी दे दिया, उसको मैंने हेड और बॉडी डैमेज दे के भाई खत्म किया। भाई साहब सोचो आप लोग, इधर भी बंदे आते हैं, इतने हार्ड लॉबी है। जो भी गाइस इसको मारने के बाद इसको लूट लिया थोड़ा सा। उसके बाद मैंने सोचा कि हार्ड लॉबी है तो अभी क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर इस टाइप के सिचुएशन में मतलब कोई भी मैच में हार्ड लॉबी आता है, हर एक ग्रैंड मास्टर बंदा आता है सोलो में, तो उस टाइम आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एकदम साइड में तो लैंडिंग करना है, उसके बाद उधर ही आप लोगों को स्टे करते रहना है, उधर ही घूमते घूमते रहना है, उधर ही लूट वूट करना है, उधर से निकलना नहीं है, ठीक है, जब तक ना आधे बंदे खत्म हो जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इधर ही लूट वूट कर रहा हूँ, इधर ही रुक रहा हूँ, इधर से कहीं पे भी जाने का सोच नहीं रहा हूँ, इधर ही रुक रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी जाता हूँ, अगर मर जाता हूँ भाई माइनस लगेगा, तो रिस्क लेके क्या फायदा, मेरे को हर एक मैच में प्लस लेना है और आप लोगों को भी हर एक मैच में प्लस लेना है। तो ये दिमाग में रखते हुए आप लोगों को इस टाइप का सर्वाइव करना है। इधर से लूट और सर्वाइव करने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने देखा एक बंदा, और देख के भाई क्या ही खतरनाक क्वांट टैप मारा बंदा, फिनिश। तो ऐसे करके गाइस दो किल मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इस बंदे से थोड़ा सा लूट के मैं इधर ही रुका, और गाइस चारों तरफ देखने लगा, इधर उधर आराम से घूमता रहा, और गाइस इधर ही सर्वाइव करता रहा। और मैं आप लोगों को और एक चीज बता देता हूँ, अभी के टाइम सोलो रैंक पुश में ना, सोलो रैंक पुश नहीं, सोलो बोलो डुओ बोलो स्क्वाड बोलो, हर एक मैच में भाई साहब लास्ट में ना मॉन्स्टर ट्रक का इतना खतरनाक सीन होता है, क्या ही बताओ भाई साहब, हर एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके खेलता है। और गाइस मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई गाड़ी लेके हर एक मैच में गेम खेला करो, क्योंकि गाड़ी गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। सो गाइस मैं भी इसी चीज का फायदा उठा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मैंने ओपी तरीके से इधर से लूट वूट करने के बाद मेरे पास जो एयर ड्रॉप में गाड़ी मिला उसको मैंने जल्दी से जल्दी मंगाया, और गाइस इस गाड़ी को लेके इधर से जाने लगा। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो मॉन्स्टर ट्रक है ना बहुत कमाल की चीज है, जो भी बंदे लोग जोन के बाहर से आएंगे उनको भाई पेलने के लिए तो ये गाड़ी बहुत ही मस्त है। और कहीं पर भी अगर बंदे लोग फाइट करते हैं ना, इस गाड़ी लेके उधर घुस जाओ भाई, सब हर एक बंदे को उड़ा दो भाई, बहुत सारा किल आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा भाई, बहुत ही खतरनाक गाड़ी है। इस गाड़ी को तोड़ने के लिए ना बंदे को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी आसानी से डैमेज नहीं होता, तो इसलिए ये गाड़ी बेस्ट है अभी के टाइम, इसलिए हर एक बंदा इसको यूज कर रहा है। जो लोग अभी तक यूज नहीं कर रहे हो भाई साहब करना स्टार्ट कर दो। तो उसके बाद ये गाड़ी लेके मैं एकदम घूमता रहा, इधर उधर जाने लगा, चारों तरफ देखने लगा कि कोई ना कोई बंदा मेरे को मिले भाई, उसको मैं इस गाड़ी से टक्कर मारूं और उसको मारूं। भाई ये सपना लेके इधर उधर घूमता रहा भाई, जब भी ये गाड़ी मुझे मिलता है ना बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि खतरनाक सीन हो जाता है, कोई बंदा मेरे साथ जितना भी प्रो बंदा हो ना मेरे सामने डर के मारे भागता है जब भी मैं ये गाड़ी लेके उसके सामने जाता हूँ। तो ये गाड़ी लेके घूमते घूमते मैं थोड़ा सा सामने जाने के बाद देखा एक बंदा सामने, भाई उसको क्या ही खतरनाक टक्कर मारा, लेकिन बंदा ना इधर क्लोअल मार के घर के अंदर घुस गया। तो मैं इधर पीछे पीछे गया उसके, उसके बाद देखा बंदा एकदम घर के ऊपर चढ़ रहा है, तो मैं पटाख से उतर के एक हल्का सा स्प्रे किया बंदे के ऊपर और बंदा फिनिश। तो ऐसे करके गाइस इस मॉन्स्टर ट्रक की मदद से मैंने एक किल करके 3 किल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने इस बंदे से थोड़ा बहुत लूट कर
करके कारीली के इधर से जाने वाला था, उसी टाइम एक बंदा आके इस घर के अंदर घुस गया और गाइस उस बंदे को लूटने लगा। तो मैंने स्पॉट कर लिया और भाई साहब आहट से विंडो से क्या ही खतरनाक उसको M14 का डैमेज दिया। भाई आप लोग देख सकते हो बंदा उधर ही फिनिश। एंड उसी टाइम गाइस एक बंदा ना मेरी गाड़ी के सामने आ रहा था मेरा गाड़ी चोरी करने। भाई बाहर से जाके मैंने उसको देखा, खतरनाक डैमेज दिया, ये बंदा भी फिनिश। उसके बाद मैं फिर से गाड़ी ले लिया मॉन्स्टर ट्रक और लेके इधर से निकल गया और गाइस जाते जाते देखने लगा कहां पर बंदे हैं। खुले में अगर बंदा होगा उसको मैं पेलूंगा, तो ये सोच के गाड़ी लेके निकल गया। और गाइस मैं आप लोगों को भी बता देता हूं आप लोगों को मॉन्स्टर ट्रक कैसे यूज करना है उसके ऊपर मैं एकदम ओपी तरीके से एक वीडियो लाऊंगा, सिर्फ मॉन्स्टर ट्रक का टिप्स एंड ट्रिक रहेगा उसमें। तो आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन है ना उसको जल्दी से सेट करो ताकि सबसे पहले आप देख पाओ। ओके, उसके बाद भीमा शक्ति के साइड में आने के बाद मैंने देखा एल शेप पर एक बंदा है, तो भाई मैं उतर गया और उतर के खतरनाक M14 का डैमेज था। बंदे ने ग्लोअल मारा, आइरिस कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करके उस बंदे को फिनिश किया। और इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो गया था 6 किल कंप्लीट। और गाइस अभी बंदे बचे हैं 5, मतलब मेरे को छोड़ के 4। और भाई लोग इस मैच में मैंने मॉन्स्टर ट्रक छोड़ा ही नहीं, क्योंकि गाइस हार्ड लॉबी है ना, तो एक भी चांस नहीं देना बंदे को। तो इसलिए गाइस देखो मॉन्स्टर ट्रक लेके जा रहे हो और सामने मैंने और एक बंदा देख लिया। भाई साहब उसके पीछे लग गया गाड़ी से, ये प्रो बंदा देखो डर के मारे किस तरह भाग रहा है। भाई इसके पीछे लग गया मैं और गाइस बंदा ना एक टाइम में पत्थर के ऊपर उठ गया। और मैंने क्या किया, मैं गाड़ी से उतर के नीचे ही थोड़ा सा वेट किया। जब भी बंदा पत्थर के ऊपर उठा उसको ना दूर से डैमेज पड़ रहा था, तो उसका फायदा उठा के इधर से मैंने एक स्प्रे किया बंदे के ऊपर। बंदा नॉक, मतलब उसका डिमिट्री चालू हो गया और वो नॉक हो गया। मैं जाके उसको खतरनाक डैमेज दिया और उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद गाड़ी लेके एकदम फिर से निकल गया और गाइस जाने के बाद सामने देखा पेड़ के पीछे एक बंदा छुपा है। भाई उसका फायदा उठा के उसको मॉन्स्टर ट्रक का क्या ही खतरनाक डैमेज दिया और उतर के एक स्प्रे किया, बंदा फिनिश। भाई साहब क्या ही बताओ, ये मॉन्स्टर ट्रक का बहुत सारा फायदा है, बस आप लोगों को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा। उसके बाद मैंने गाड़ी छोड़ दिया क्योंकि गाड़ी जोन के बाहर गया था, तो मैंने छोड़ दिया। बस अभी 3 बंदे अलाइव थे मेरे को लेके, तो बस अभी थोड़ा सा फोकस करना है बुया पर। तो इसलिए गाइस थोड़ा सा सामने जाके पेड़ का कवर लेने वाला था, उसी टाइम मैंने देखा नीचे एक बंदा। भाई उसको खतरनाक डैमेज दिया और बंदा फिनिश। तो इसको मारने के बाद 9 किल कंप्लीट कर लिया और बस एक बंदा बचा। तो मैंने थोड़ा सा भी लेट नहीं किया, मेरे पास स्कैनर था, मैंने फटाक से स्कैनर का यूज किया और बंदे का पोजीशन देखने लगा कहां पर है, कि पोजीशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट है लास्ट जोन में। तो भाई मैं थोड़ा सा आगे जाते जाते देखता रहा कहां पर बंदा है, तो सडनली मेरे को बंदा डैमेज देता है दूर से और ऐसा डैमेज दे देता है मेरा हेल हो जाता है 10 का। तो उसके बाद मैं जैसे तैसे करके एक सुपर मेडिकेट मार के अपना हेल जगह पर लाता हूँ, उसके बाद एक ग्लोअल मार के उसके सामने चला जाता हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास जो जो ग्रेनेड था ना वो सब मैं उसके ऊपर मार देता हूँ। बंदा डैमेज खाता है, इधर उधर जाता है, मैं चारों तरफ फेंक देता हूँ, डैमेज खा के बंदा ग्लोअल मारता है। और उसी टाइम मेरे पास आयरिस कैरेक्टर का एबिलिटी ठीक हो जाता है और मैं फटाक से उसके ऊपर मार देता हूँ, उसको बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, उसके सामने जाके डैमेज देता हूँ ग्लोअल के आर पर। एंड लास्ट में मूवमेंट करके थोड़ा सा जंप करके इधर जाके एक स्प्रे करता हूँ, बंदा फिनिश। तो इसको मार के ऊपरी तरीके से मैं बुया ले लेता हूँ इस मैच, और वो भी 10 किल के साथ। और इस मैच में मेरे को बुया मिलने के बाद मेरे को मिलता है 31 का प्लस और मैं 110 बंदे के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस मैं अभी भी 4000 में अटका हुआ हूँ, मेरे को कुछ भी करके 1000 में जाना है। तो इस वजह से मैं रात के 3 बजे फिर से गेम स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, वो छोड़ो, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ सोलो में आप लोगों को कैसे बॉट लॉबी मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि वो जो सोलो मैच खेले उसमें हार्ड लॉबी ना आए, हर एक बंदा नोब आए जिसको वो इजीली मार पाए, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ और मुझे पता है आप लोग भी चाहते हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ, कुछ ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप लोगों के गेम में एकदम से बॉट नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे बंदे आएंगे जिनको आप लोग आराम से मार पाओगे। तो बॉट लॉबी लाने के लिए पहला जो ट्रिक है वो है गाइस, आप लोगों को रात को खेलना होगा। भाई ये सच है, आप लोगों को 3 बजे से लेके 5 बजे तक गेम प्ले करना होगा, उसी टाइम आप लोगों को हर एक मैच में बॉट बंदे मिलेंगे, ठीक है। ओके, और दूसरी ट्रिक ये है कि आप लोग ना पूरा एक दिन सोलो में गेम मत खेलो। भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सोलो मैच ना खेलो, मैं चाहता हूँ हर एक मैच आप लोग सोलो खेलो, क्योंकि सोलो में ना माइनस खाने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन क्या करें, ट्रिक तो बताना होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो आप लोगों को पूरा एक दिन सोलो नहीं खेलना है, स्क्वाड या डुओ खेलना है। फिर एक दिन के बाद जब भी आप लोग सोलो में रैंक पुश स्टार्ट करोगे, तो पहला मैच ही आप लोगों को बॉट लॉबी मिलेगा, समझ लो। तो ऐसे करके गाइस आप लोग बॉट लॉबी ला सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस मैच की बात करें तो मैं इस मैच में टॉप 10 में आ चुका था और मेरा 2 किल हो चुका था, ठीक है। तो अभी कुछ भी करके मेरे को बुया लेना था, तो गाइस मेरे पास था मॉन्स्टर ट्रक का एयर ड्रॉप, तो मैं जल्दी से जल्दी एयर ड्रॉप को मंगा लिया और गाइस देख रहा था सामने बंदा है, उसको मैं डैमेज दे रहा था और बंदे ने भाई साहब सडनली मेरे को इतना खतरनाक डैमेज दे दिया, यही बताओ, आप लोग देख सकते हो। और मेरे को थोड़ा सा भी चांस नहीं था इधर जोन में रहने का, तो मैंने फटाक से मॉन्स्टर ट्रक में उठा और गाइस
अपना हेल्थ पूरा करने के लिए सुपर मेडिकेट मारा, और गाय सुपर मेडिकेट मार के अपना हेल्थ पूरा करके डायरेक्टली गाड़ी लेके चला गया उस बंदे के सामने, क्योंकि वो बंदा जोन के बाहर था। और जाके मैंने बंदे को खतरनाक टक्कर मारा मॉन्स्टर ट्रक का, और बंदा फिनिश। एंड उसी टाइम गाइस और एक बंदा मेरे को डैमेज देने लगा, फटाक से मैंने मॉन्स्टर ट्रक ले लिया, क्योंकि गाइस मॉन्स्टर ट्रक नहीं लूंगा तो बंदा मेरे को पूरा ही मार देगा। तो फटाक से मॉन्स्टर ट्रक लेके मेडिकेट मारते मारते उसके सामने गया और उस बंदे को खतरनाक टक्कर मारा, लेकिन बंदा एलिमिनेट हो गया क्योंकि बंदा जोन के बाहर। तो उसके बाद इस बंदे को थोड़ा सा लूट के मैंने मॉन्स्टर ट्रक लेके जोन के अंदर जाने लगा। भाई साहब आप लोग देख सकते हो जोन कितना काट रहा है, और मॉन्स्टर ट्रक लेके मैं जोन रोटेशन भी आराम से मार रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा मेरे को छू भी नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, ठीक है ना। और मॉन्स्टर ट्रक तो क्या ही बात है, मॉन्स्टर ट्रक देख के बंदे डर के भाग जाते हैं। तो इसको लेके मैं एकदम दूर में चला गया, क्योंकि ये मॉन्स्टर ट्रक ना बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, कभी भी फूट सकता है, तो इसलिए मैं एकदम दूर चला गया। दूर में जाके एकदम कोने में अपना परमानेंट कवर लेके बैठ गया, एंड इधर से देखा कि दूर में फाइट चल रही है, तो मैंने इधर से एक बंदे को डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। बंदे ने ग्लूअल मारा, आई डिस्करेक्टर मार के उसको डैमेज देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बंदे को मार नहीं पाया। और उसी टाइम गाइस एक बंदा मेरे सामने आ गया, आके मेरे को डैमेज देने लगा। मैंने फटाक से ग्लूअल का पैक बनाया, गाइस मेडिकेट मारने लगा, लेकिन बंदा ने क्या किया, स्काईलाइट छोड़ दिया। भाई क्या ही खतरनाक सीन हो चुका था। और उसी टाइम मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, इधर से फटाक से ग्लूअल मार के ऊपर तरीके से गाड़ी के सामने गया, गाड़ी लिया और गाड़ी लेके इधर से निकल गया। भाई साहब अगर ये गाड़ी मेरे पास नहीं होता भाई मैं मर जाता। तो जो भी है गाइस इस गाड़ी ने मेरे को बचा लिया। तो इधर आके मैंने एकदम ओपी तरीके से ग्लूअल मार के परमानेंट कवर ले लिया, और वो दोनों बंदे से दूर आके बैठ गया, ठीक है। तो बंदे लोग इधर से मेरे को स्पॉट कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे पास ना नियारी करेक्टर था जिसके मदद से मेरा ग्लूअल पत्थर हो चुका था। जो भी है गाइस इधर बैठ के ओपी तरीके से दोनों को मैं डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, एंड वेट कर रहा था दोनों बंदे के बीच फाइट कब हो, क्योंकि अभी बस तीन बंदे बचे थे मेरे को लेके, तो कुछ भी करके मेरे को बुया लेना था। तो थोड़ा बहुत वेट करने के बाद एक बंदा इधर से आ रहा था जोन के अंदर, तो मैंने उसको स्पॉट करके खतरनाक डैमेज दिया। बंदे ने ग्लूअल मारा, मेरे पास आयरिस करेक्टर था, उसको डैमेज देते ही रहा और लास्ट में गाइस बंदे को मार दिया। तो ऐसे करके इसको मार के चार किल कंप्लीट कर लिया, और लास्ट अभी एक बंदा बचा था। अभी ये बंदे को मारने के बाद मेरा बुया हो जाता, लेकिन ये बंदा ना कबर से निकल ही नहीं रहा था, कबर में बैठा था। भाई साहब बहुत ही खतरनाक बंदा था। तो मैंने क्या किया, मैं गाड़ी लेके उसके सामने चला गया उसको टक्कर मारने। उसको टक्कर मारने वाला था, लेकिन बंदे ने ना एकदम गोली मार के मेरा गाड़ी फोड़ दिया। तो मैं गाड़ी से उतर गया, और गाड़ी से उतर के गाड़ी का कवर लेके मतलब उसका टायर का कवर लेके इधर ही रुका। और जब भी बंदा मेरे सामने आया मैंने एक ही से खतरनाक उसको डैमेज दिया, फटाक से ग्लूअल मारा, इधर से गया जाके और भी थोड़ा डैमेज दिया, देख के इधर से आके ओपी तरीके से ग्लूअल का कवर में जाके लास्ट में एक स्प्रे किया, बंदा सोनिया बन गया। और उसी टाइम मैंने एक ग्लूअल मार दिया और वो बंदा बेचारा उधर ही मर गया। तो ऐसे करके पांच किल करके इस मैच को बुया ले लिया। और गाइस ये मेरा सुबह का मैच था, आप लोग देख सकते हो 51 का प्लस मिला। ओके, एंड उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अच्छे अच्छे बंदे नहीं आ रहे थे, थोड़ा बहुत नॉर्मल बंदे आ रहे थे। तो इसलिए मैंने फटाक से और एक मैच स्टार्ट कर दिया सुबह के 4 बजे बिना सोए, ठीक है। अगर मेरे को इस मैच में माइनस लगता है तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन अगर प्लस लगता है तो मैं फिर से गेम स्टार्ट करूंगा। तो ये सोच के गेम स्टार्ट कर दिया। इस मैच में मैं आ चुका था टॉप 16 में, और गाइस मेरा हो गया था 3 किल कंप्लीट। तो इधर बैठ के एक बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तो सामने एक बंदा था, मैंने उसको स्पॉट कर लिया और खतरनाक उसको डैमेज दिया और बंदा खत्म। तो ऐसे करके इसको मार के 4 किल कंप्लीट किया। उसके बाद जोन आ गया था और इधर से मैं निकल गया, निकल के मेरे पास कार का एयर ड्रॉप था वो मंगाया। और गाइस सडनली मैंने देखा है सामने एक बंदा था और उसको मैंने खतरनाक स्पॉट किया और क्या ही खतरनाक डैमेज दिया, उस बंदे को भी मैंने इजिली मार दिया। तो इसको मारने के बाद मेरा हो गया था 5 किल कंप्लीट। एंड उधर और एक बंदा था गाइस, उसको भी मैंने खतरनाक डैमेज दिया, वो बंदा ग्लूअल मार दिया, उसको आयरिस मारा, उसने भी मेरे को आयरिस मार दिया। भाई साहब कवर में आके उसको खतरनाक डैमेज दिया, लेकिन बंदा ग्लूअल पर ग्लूअल मार रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने एक मिनी लॉन्च पर उसको मारा और गाइस लास्ट में एक खतरनाक स्प्रे किया M41 का और बंदा फिनिश। तो ऐसे करके इन दोनों बंदे को इधर मार के ओपी तरीके से 6 किल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मॉन्स्टर ट्रक लेके ओपी तरीके से जोन के अंदर चला गया। एंड जोन के अंदर आने के बाद मैंने मॉन्स्टर ट्रक नहीं छोड़ा, एकदम ओपी तरीके से मॉन्स्टर ट्रक लेके घूमता रहा, क्योंकि गाइस मॉन्स्टर ट्रक से बंदे को उड़ाऊंगा ये सोच के लास्ट जोन में हमेशा अभी के टाइम में मॉन्स्टर ट्रक चलाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी मॉन्स्टर ट्रक एकदम खतरनाक तरीके से यूज करना है लास्ट जोन में। तो इधर देख सकते हो आप लोग मैं कितने खतरनाक तरीके से चारों तरफ घूम रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, कोई भी बंदा अगर खुले में आएगा उसको खतरनाक तरीके से उड़ाऊंगा ये सोच के मॉन्स्टर ट्रक लेके मैं इधर उधर घूम रहा हूँ एकदम बिंदास होकर। उसके बाद बहुत सारे टाइम घूमने के बाद गाइस टॉप 3 हो चुका था, ठीक है। और गाइस तभी मेरे सामने एक बंदा था, मैंने मॉन्स्टर ट्रक से उस बंदे को उड़ाया, लेकिन मेरा जो किल था ना उसको दूसरा जो बंदा था उसने चुरा लिया। भाई बहुत दिमाग खराब हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मॉन्स्टर ट्रक से उतर गया क्योंकि लास्ट बंदा बचा था, मतलब टॉप 2 का सीन हो चुका था। तो गाइस मैं इधर से आके उस बंदे को थोड़ा सा स्पॉट करके मारने वाला था, लेकिन बंदा इधर से कवर में चला गया। उसके बाद मैंने हल्का सा उसको डैमेज दिया इधर आके। उसके बाद पोर्टल लगाया और वो बंदा पोर्टल देख के इधर से आ रहा था। गाइस मैं उसका फायदा उठा के ओपी तरीके से बंदे को एक स्प्रे किया, बंदा फिनिश। तो ऐसे करके गाइस ओपी तरीके से इस मैच को मैंने 7 किल करके बुया ले लिया। उसके बाद
मेरे को और भी मैच खेलना था, लेकिन गाइस बहुत नींद आ रहा था, इसलिए गाइस मैं सो गया और गेम नहीं खेला। तो यही वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, कैसे आप लोग सोलो में रैंक पुश करके हर एक मैच में प्लस ले सकते हो इस मॉन्स्टर ट्रक की मदद से और मेरी टिप्स एंड ट्रिक की मदद से। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।